दोस्तों, अगर आपको भी Instagram पर नो इफेक्ट वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, हम स्टोरी में आते हैं, कुछ भी यहाँ पर इमेज लगाते हैं और वहाँ पर जैसे ही हम इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं नो इफेक्ट आता है। बट यहाँ पर देख सकते हो इस प्रॉब्लम को मैंने फिक्स किया, ठीक है, सेम आईडी में इस प्रॉब्लम को हमने फिक्स कर लिया है। किस तरीके से मैंने फिक्स किया और आप इसे किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यार, वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना, एक भी स्टेप्स जो है ना आपने मिस नहीं करना है। देखो, इसे फिक्स करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली अपने आईडी को लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद भाई साहब एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में, यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट परमिशन, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऊपर में यहाँ तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनमें से सेकंड ऑप्शन जो है ब्राउजर सेटिंग्स है। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्लियर कुकीज एंड कैशे। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपना जो ब्राउजर जो क्लियर कर लेना है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक कर जो भी कैशे वगैरह क्रिएट किए होंगे, जो भी लॉग क्रिएट हुआ होगा, उसे आपने यहां से डिलीट कर देना है। अब यहां पर आपको दूसरा चीज क्या करना है, यहां पर आप इसका यूजर नेम देख लो एक बार, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूं। ये इस यूजर नेम है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे हम लोग फिक्स करेंगे। तो इसके बाद आपको अपना अकाउंट यहां से लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। ये दो चीजें आपने यहां से कर लिया, उसके बाद अपने इंस्टाग्राम ऐप पर हल्का सा प्रेस करके रखोगे, ऐप इन्फो में जाओगे, यहाँ पर क्लियर कैशे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपना जो कैशे है ना, अपने एप्लीकेशन का जो कैशे है वो इसे क्लियर कर लेना है। एक बार दोबारा से यहाँ पर देखो, रिफ्रेश करके देखोगे दोबारा से शो कर रहा है, तो फिर हम लोग दोबारा से यहाँ पर इसका जो कैशे है वो क्लियर कर लेंगे। अब देखो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है भाई, जितने भी एक्टिव टैब्स होंगे ना आपके अपने एप्लीकेशन के, उन सभी टैब्स को वन बाय वन आपको क्लोज कर देना है। कुछ इस तरीके से एक भी एक्टिव टैब यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, आपने सबको क्लोज कर लेना है। और इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर, जो भी आप यूज कर रहे हो, वहां से जाकर आपने इसे अपडेट कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे में ऑलरेडी अप टू डेट है, हो सकता है कि आप में यहाँ पर अपडेट के लिए मांगे, अगर यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन शो कर रहा हो तो इसे अपडेट कर लेना, अदरवाइज रहने देना, कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको अगर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर आपको दोबारा से इसे चेक कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर दोबारा से चेक करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम फिक्स हुई या फिर नहीं हुई। तो स्टोरी में आकर फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि अभी भी हमारे में सेम प्रॉब्लम आ रहा है, नो इफेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, फिल्टर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए, तो अब यहाँ पर भाई आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हम दूसरे अकाउंट में चलते हैं, अपना जो हमारा मेन अकाउंट है ट्रिकी एजिम वाला, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर दोबारा हम लोग चेक करते हैं कि स्टोरी में कि क्या वाकई इस अकाउंट में भी सेम इशू आ रहा है क्या हमें। तो हम यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं और दोबारा से फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से देख सकते हो नो इफेक्ट का इशू देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि भाई ये इंस्टाग्राम का कोई ग्लिच है, कोई बग है, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी भी अकाउंट पर या फिर यूँ कहें कि मैक्सिमम अकाउंट पर आपको फिल्टर का ऑप्शन शो ना कर रहा हो। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली ये खुद ही ठीक हो जाए, इंस्टाग्राम का जो न्यू अपडेट आएगा उसमें ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। बट अगर आपको अभी फिल्टर यूज करना है तो उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, इंस्टा प्रो, ठीक है। मैं इंस्टा प्रो यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम का ही वर्जन है। तो इससे में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई फिल्टर ऑप्शन शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ ओपन करते हैं अपना ऑफिशियल जो आईडी हमारा ट्रिकी अजीम, इसमें ही हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं। फिल्टर वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे को फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल भी मैं कर पा रहा हूँ। देख लो यहाँ पर ध्यान से, मैं फिल्टर का यूज कर पा रहा हूँ, हर एक फिल्टर यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। ट्रिकी अजीम में भी शो कर रहा है और गूगल ट्रिकी में भी यहाँ पर शो करता है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। चलो हम लोग गूगल ट्रिकी में भी चल के देख लेते हैं कि भाई इसमें फिल्टर का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर देख लो, इसका यूजर नेम देख सकते हो, सेम यूजर नेम है। दोबारा से स्टोरी में आते हैं, कोई एक इमेज यहाँ पर ले लेते हैं और दोबारा से फिल्टर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन हमें शो कर रहा है।
ठीक है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई कि आपको अपना इंस्टाग्राम जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वो आपने अपडेट कर दिया है तो अपडेट करने के बाद ये फिल्टर वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो इस केस में आपने अपना इंस्टाग्राम डाउनग्रेड कैसे करना है? तो भाई डाउनग्रेड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली गूगल क्रोम ओपन कर लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना अप टू डाउन, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा। फर्स्ट लिंक, सॉरी ये एक वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऊपर में एक सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर भाई आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपने टाइप करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम सर्च करोगे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगी, तो बस सेकंड वाले ऑप्शन पर जो इंस्टाग्राम होगा उस पर क्लिक कर लेना और नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा उसी के ओल्डर वर्जन, ठीक है, गेट लेटेस्ट वर्जन के नीचे आपको ओल्डर वर्जन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको 15 अगस्त से पहले वाला जो इंस्टाग्राम का वर्जन दिख रहा होगा ना, उसे आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। उस पर टैप करोगे, टैप कर उसे डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद आप बेहद आसानी से इसे यूज़ कर पाओगे। देखो 16 अगस्त का आपने यूज़ नहीं करना है, मैं आपको दोबारा से बता दूँ, 15 अगस्त या फिर उससे पहले वाला जो एप्लीकेशन है या उससे पहले वाला जो इंस्टाग्राम का वर्जन हो आपको दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ उसे ही डाउनलोड करना और डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, उसके बाद फिल्टर वाला ऑप्शन आप में शो कर जाएगा, फिल्टर का कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो लेटेस्ट वर्जन है ना उसमें भाई ये ग्लिच चल रही है, उसमें ये बग है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन से पुराना वाला वर्जन आपको चाहिए, फिल्टर का कोई प्रॉब्लम उसमें शो नहीं करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।